हेलो एवरीवन, आई प्रतिष्ठा वेलकम यू ऑल टू विजडम कॉर्नर। टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 9 इंग्लिश। इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस ऑन क्लास 10th एंड 12th रिवाइज सिलेबस, प्लीज सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Let's begin now. In this video, we'll talk about the paper pattern and the marking scheme. So watch the video till the end and give a thumbs up if you like the video, share the video and subscribe to my channel if you are visiting for the first time. Let's see the paper now. The paper will be divided into two parts, part A and part B. जो part A होगा वो होगा objective type, इसमें multiple choice question आएंगे एक एक marks के, और part B होगा subjective type, उसमें short answer और long answer, letter और ये जो writing section होता है ये सब आएंगे। जो reading section है, जो first section है वो 20 marks का बनेगा, और यहाँ हमें पहला क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज। पहला पैसेज होगा डिस्कर्सिव टाइप पैसेज जो 400 टू 450 वर्ड्स होगा। यहाँ पे हमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं 10। ये 10 क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के आएंगे, टोटल मार्क्स बनेगा 10 मार्क्स। दूसरा जो पैसेज आएगा वो होगा केस बेस फैक्चुअल पैसेज। यहाँ हमें एज हिंट हमें कुछ विजुअल इनपुट्स मिलेंगे लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर कोई चार्ट। ये पैसेज जो होगा वो 200 टू 250 वर्ड्स का होगा। यहाँ भी हमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस। एक एक मार्क के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स होगा 10। सो दिस 10 एंड दिस 10 मेक्स अ टोटल ऑफ 20। तो ये रीडिंग पैसेज ऑब्जेक्टिव टाइप में समझ आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। पहला जो हमें क्वेश्चन आएगा वो आएगा किसी ड्रामा या प्रोज का कोई एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा हमें। तो ये एक्सट्रैक्ट जो हो गए, हमें दो एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, आउट ऑफ दोज टू हमें कितना अटेम्प्ट करना है ओनली वन। इस एक एक्सट्रैक्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स के, टोटल मार्क्स बनेगा 5। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, ये भी एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, दो एक्सट्रैक्ट आएंगे, दो में से हमें एक करना है, बट ये आएगा हमें पोइट्री से। यहाँ पर भी एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स बनेंगे 5। सेकेंड थर्ड जो आता है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे क्लास 10th के सिलेबस में है, लाइक कोई गैप फिलिंग आ जाएगा, एरर डिटेक्शन आ जाएगा, जंबल वर्ड्स आ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमें बनेंगे ग्रामर सेक्शन में। 10 मार्क्स का ग्रामर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ हमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ दोज 12 हमें अटेम्प्ट करने हैं 10। इसमें टॉपिक क्या क्या आएगा, टेंसेस, मुडास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, एंड लास्ट है डिटर्मिनर्स। यहाँ जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं ये सेम टॉपिक हमारे क्लास 10th में भी डिलीट हुए हैं, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस एंड प्रेपोजिशन। ये 3 टॉपिक्स ग्रामर सेक्शन से डिलीट हो गए हैं, दैट मीन्स इनमें से अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में हमें राइटिंग सेक्शन जो क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ हमें सबसे पहले पूछा जाएगा कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखना होगा हमें 100 टू 120 वर्ड्स में, लेकिन यहाँ हमें किसे डिस्क्राइब करना है, किसी पर्सन को ही डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जो पहले प्लेस या इवेंट का था वो हट गया है, अब सिर्फ पर्सन के डिस्क्रिप्शन आएगा, या फिर कोई डायरी एंट्री आएगी जहाँ हमें कोई हिंट मिलेगा, कोई विजुअल या वर्बल हिंट मिल जाएंगे। बट यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, दो में से हमें कितना करना है ओनली वन, जो कि 5 मार्क्स का होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा स्टोरी बेस्ड, ये हमें 100 टू 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी हमें हिंट्स मिलेंगे, दो क्वेश्चंस होंगे, दो में से हमें एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी है 5 मार्क्स की, ठीक है। जो टॉपिक डिलीट हो गया है वो है लेटर ऑन सिचुएशन, लेटर हट गया है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ प्लेस या इवेंट वाला हट गया है, बट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन वाला अभी भी आ रहा है। लेट्स मूव। अब लिटरेचर सेक्शन जो है 30 मार्क्स का, वो उसमें क्या पूछा जाएगा, वहाँ हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं,
20 to 30 मार्क्स के, ये बट ये आएगी हमारी दोनों बुक में से, बी हाइव और मोमेंट्स में से। कैसे आएगी? यहाँ बी हाइव में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें हमें 2 करने हैं, और मोमेंट बुक में से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से हमें 2 करने हैं। तो 2 इसके और 2 इसके हो गए 4, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल बने 8। देन अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, बट ये है 40 to 50 वर्ड्स का। यहाँ हमें बी हाइव सिमिलरली पहले वाले के जैसे बी हाइव से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें 2 करने हैं। मोमेंट में से 3 पूछे जाएंगे, हमें 2 करने, 2 और 2 बन गए 4, एंड बट ये क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स का। तो 4 into 3 12 मार्क्स, 12 into 8 12 plus 8 20, और बाकी 5 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहला हमें बी हाइव से पूछा जाएगा, यहाँ हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑप्शंस में आएगा, और हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमें 100 to 120 वर्ड्स में करना है, और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, किसी सिचुएशन या प्लॉट पे बेस्ड, जो हमारे टेक्स्ट का ही है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, ये हमारे मोमेंट बुक में से आएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें ओनली 1 अटेम्प्ट करना है। बट ये जो क्वेश्चन होना है ये होगा कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, और ये हमें 100 to 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो ये 30 मार्क्स का पूरा लिटरेचर सेक्शन हो गया सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या डिलीट हो गया है। अब इस लिटरेचर में हमारा जो सेक्शन, जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो है द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री, और द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कैंगरू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और मोमेंट बुक में सप्लीमेंट्री जो बुक हमारी उसमें से 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो टोटल हमारे 5 plus 2 7 चैप्टर्स लिटरेचर से डिलीट हो गए हैं। नाउ लेट सी द परसेंटेज वेटर एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्शन। रीडिंग सेक्शन जो है, रीडिंग सेक्शन अब हमारे 20 मार्क्स का, पहले भी 20 मार्क्स का आ रहा था, अभी भी 20 मार्क्स का आएगा, पर इसका परसेंटेज वेटेज है 25%। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 मार्क्स का आएगा, इसका परसेंटेज वेटेज है 25। और लिटरेचर जो है हमारा वो, उसका मार्क्स इंक्रीज हो गया है और ये 40 मार्क्स का आएगा, टोटल परसेंटेज वेटेज है 50%। दैट मीन्स आधा जो हमारा पेपर है वो किससे आ रहा है, लिटरेचर सेक्शन से। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो लिटरेचर सेक्शन हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, और इसके बारीकी से इसको लिटरेचर के हर एक चैप्टर्स को हमें याद करना है, समझना है, सो दैट ये 50 मार्क्स हमारे कहीं भी ना छूटे। सो आधा पेपर यहाँ से आ रहा है, तो ये सेक्शन हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर आर एग्ज़ाम्स। ओके, सो दैट वॉज all for today. See you in the next video. If you have any suggestion, please comment below. Like, share and subscribe to show your support. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.